नगर में इस वर्ष भी बड़े हर्ष व उल्लास के साथ महिलाओं ने व्रत रखा। हर पर्व और त्योहार का कोई न कोई महत्व होता है। कई ऐसे भी पर्व हैं जो हमारे सामाजिक और पारिवारिक संरचना को मजबूती देते हैं। इसमें से ही एक है जीवित पुत्री का व्रत, यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। यह व्रत वह सभी सौभाग्यवती स्त्रियाँ रखती हैं जिनको पुत्र होते हैं, साथ ही जिनको पुत्र नहीं होते वह भी पुत्र कामना और बेटी की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की दोष काल व्यापनी अष्टमी के दिन माताएं अपने पुत्रों के दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता के लिए यह व्रत रखती हैं। इसे ग्रामीण इलाकों में जितिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस व्रत की बड़ी मान्यताएं हैं। माताएं इस व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ करती हैं।